वेलकम वॉच कार्स बैटल लीग का सेमीफाइनल अब सिर्फ 4 दिन दूर है। नील वर्सेस टोनी, वीर वर्सेस सैम, तब तक फाइनल्स में कौन खेलेगा, ये सवाल सबके मन में है। हाय दोस्तों, आखिरकार सेमीफाइनल्स, कैसा लग रहा है? चिंता मत करो सिड, मैं ही जीतूंगा, चाहे जो हो जाए मैं जीतूंगा। सैम, अच्छे से तैयारी कर लो। मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे बहुत चिंता होती। सैम जीतेगा, वीर जीतेगा, सैम सैम वीर वीर। तुम लोग एकदम जोकर लग रहे हो। वो हम लोग तुम में से एक को चुन नहीं पा रहे थे तो हमने ऐसे कपड़े पहन लिए। मेरी योजना कैसी लगी दोस्तों? मैं इतनी होशियार कैसे हो सकती हूँ? हाँ दोस्तों, तुम लोग इतना सब कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। वो बस तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहते थे, ये सच में खूबसूरत दोस्ती है। मीडिया में भी होने वाले सेमीफाइनल के काफी चर्चे हैं। अब हम उनसे मिलते हैं जिन्होंने दोस्ती से पहले अपने मैच को रखा है। आइए इनकी कहानी जानते हैं। ये कैसी फालतू बात है। सैम बहुत ही ज्यादा डरपोक और कंजूस है, और वो कमजोर दोस्तों को परेशान करता रहता है, और तो और वो कायरों की तरह दोस्तों के पीठ पीछे बुराइयां करता है। वीर बेवकूफ है और जिद्दी और मतलबी, वो घमंडी है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सैम, कायर कहीं के, तुम्हें लगता है तुम मेरी पीठ पीछे बातें करके जीत जाओगे? सच में दोस्त हो चाहे ना हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मैच में देख लूंगा। वीर, मैंने सोचा नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। खुद को अच्छा दिखाने के लिए ये बकवास कर रहे हो, अब तुम मैच में देखना, मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा कसम से। दो खिलाड़ी जो बचपन के दोस्त हैं, सेमीफाइनल से पहले एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। देखते हैं इन दोनों के बीच मैच कितना भयानक होगा। ओ नहीं, ये सब क्या है? तुम लोगों ने रिपोर्टर्स को जीतने के लिए ये सब कहा? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, ये सच नहीं है। सैम, तुम अब भी खुद को दोस्त कहते हो? तुम्हें क्या लगा मैं क्या कहूँगा? ये सब कुछ तुमने शुरू किया था। क्या बकवास है, ये सब तुमने शुरू किया था, तुमने। दोस्तों, एक दूसरे से ऐसा बर्ताव मत करो। ओह बस करो, सैम ने मेरे बारे में ये सब पहले कहा था। ओह हाँ, तुम हमेशा यही करते हो। इसका क्या मतलब है, हमेशा यही करता हूँ? पीठ पीछे बातें करना बंद करो। क्या कहा तुमने अभी? बंद करो ये सब। हाँ? अब तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांगो और हाथ मिला लो। मैं क्यों मांगू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे सैम रुको। हाँ डायरेक्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें थोड़ा और। हाँ आजकल दोस्तों का मैच देखना कौन पसंद करेगा सर, हमें दर्शक बढ़ाने के लिए थोड़ा उत्तेजक मैच दिखाना होगा। हाँ हाँ समझिए, हो गया सर। हेलो वीर, हम ब्रॉडकास्ट कंपनी से हैं, क्या आप मेरी बात एक मिनट सुनेंगे? आप सैम के खिलाफ हो रहे मैच की तैयारी में लगे होंगे? बिल्कुल, मैं एक अच्छा मैच खेलने की कोशिश में लगा हूँ। ऐसा है, वैसे मुझे सैम ने बताया कि आप ज्यादा साफ नहीं रहते, आप में से बदबू आती है। मैं सोच रहा था क्या ये सच है? क्या, मुझसे बदबू आती है का क्या मतलब है? आपने कुछ गलत सुन लिया होगा, मेरा दोस्त सैम मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकता। ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि आप एक लीच की तरह हैं, हमेशा हमेशा दूसरों की प्लेट से खाते रहते हैं, क्योंकि आप इतने कंजूस हैं कि कभी अपना खाना खुद नहीं खरीदते। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने पैसे उधार लिए और कभी लौटाए नहीं। क्या कहा उसने? सैम ने ये सब कहा तुमसे? हाँ। ये कैसी फालतू बात है, सैम मुझसे ज्यादा डरपोक और कंजूस है, और वो कमजोर दोस्तों को परेशान करता रहता है, और तो और वो कायरों की तरह दोस्तों के पीठ पीछे बुराइयां करता है। लेकिन सैम एक मशहूर खिलाड़ी है ना? मैंने सुना है उनके पीछे उनकी बहुत सारी लड़कियां फैंस हैं। हाँ? वो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा अजीब है, उसके आसपास बहुत लड़कियां हैं, सच में वो सबको बेवकूफ बना रहा है।
नहीं नहीं वीर, शांत हो जाइए और हमें बताइए कि आप सेमीफाइनल्स के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। सैम, कायर कहीं के, तुम्हें लगता है तुम मेरी पीठ पीछे बातें करके जीत जाओगे? सच में दोस्त हो चाहे ना हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मैच में देख लूंगा। कैसे हैं आप सैम? तो आप सेमीफाइनल्स में वीर के खिलाफ खेल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वीर थोड़ा सा अनाड़ी है, मगर वो एक अच्छा खिलाड़ी है। मुझे उम्मीद है ये एक शानदार मैच होगा। अच्छा, लेकिन वीर तो कह रहा था कि आप लोगों को परेशान करते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह है? आप अपना नजरिया बताइए। मुझे नहीं लगता ये सच है। नहीं नहीं, वीर ज्यादा उत्तेजित होकर ये सब बोल गया होगा, पर ये सब सच नहीं है। वीर ने ये भी कहा है कि आप अच्छे दिखते हैं, लेकिन आप पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करते हैं और लड़कियों के साथ आपका रिश्ता कुछ अजीब सा है। क्या ये सच है? आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे नहीं पता उस पागल ने क्या कहा है, पर ये सब बकवास है। वीर बेवकूफ, घमंडी और जिद्दी है। वीर मतलबी है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के नहीं। वो पूरी टीम में और किसी के बारे में नहीं सोचता। हाँ, ऐसा है क्या? आप थोड़े निराश लग रहे हैं, आप ऐसे तो नहीं है? आप सेमीफाइनल्स के बारे में क्या महसूस करते हैं? वीर, मैंने सोचा नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। खुद को अच्छा दिखाने के लिए ये बकवास कर रहे हो? अब बस तुम मैच में देखना, मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा कसम से। जैसा मैंने सोचा था, दोनों मेरे चाल में फंस गए। दोस्तों, ये स्वादिष्ट बर्गर खाते और झगड़ा खत्म करते हैं। सैम, वीर, क्या तुम दोनों ये झगड़ा बंद करके सुलह नहीं कर सकते मेरे लिए? ट्विंक ट्विंक ट्विंक। हाँ, ट्विंक ट्विंक। बहुत हो गया। बताओ यार, ये सब कब खत्म करोगे? हाँ, हारना जीतना तुम लोगों के लिए इतना जरूरी हो गया? क्या तुम दोस्त नहीं हो? दोस्त? कैसे दोस्त? मेरी पीठ पीछे बात करने के बाद? ये सब तुमने शुरू किया है, कबूल करो। अब तुम्हें मुझसे पंगा लेना है क्या? तुमसे पंगा लेना है? हाँ, मैं नहीं डरता तुमसे। आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तुमने मेरी बेइज्जती की। देखो कौन बोल रहा है। बंद करो ये बकवास। सच में ये सब क्या है? मैं और नहीं देख सकता। मैंने हार मान ली, सुना तुमने? तुम्हारे जो जी में आए करो, मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत निराश हूँ दोस्तों। अगर तुम दोनों ने सुलह नहीं की तो मैं तुम दोनों से नहीं मिलूंगी। मैंने ऐसा क्यों किया? सैम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं मैच जीतकर भी क्या करूंगा अगर दोस्ती में हार गया तो? वीर ने चाहे जो भी कहा हो, उसके कहने का वो मतलब नहीं हो सकता। शायद बेहतर होगा अगर मैं मैच से पहले ही हार मान लूं। उम्मीद है वीर और सैम जल्दी सुलह कर लेंगे। जी डायरेक्टर, वीर और सैम को अलग करने का हमारा मिशन कामयाब रहा। हा? टूटी हुई दोस्ती का मैच, आपको पता है ना रेटिंग कितनी ऊपर रही है? सब मैंने किया है। बोनस देना मत भूलिएगा। उन्हें अलग करने का मिशन? तो ये सब इनकी चाल थी? मैंने मैच को छोड़ देना तय किया है। क्या कहा तुमने? वीर जैसे अच्छे दोस्त को खोने से बेहतर है कि मैं मैच को ही छोड़ देता हूँ। वीर, सैम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे माफ कर दो, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। तुम भी मुझे माफ कर दो, कोई गलत फहमी हो गई होगी। वो तो ठीक की जा सकती है, आखिर हम दोस्त हैं। तुम्हें क्या लगा, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं? हमारी दोस्ती कोई टूट जाने वाली चीज नहीं है।
दोस्तों, ये सब एक रिपोर्टर की साजिश थी। उसने जानबूझ के तुमको अलग किया। हाँ? हाँ, क्या कहा? इसका क्या मतलब है? उसने शो के लिए तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की, सिर्फ शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, इस तरह से परेशान मत हो। कुछ करने से पहले इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। उस रिपोर्टर ने इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की। मुझे पता था, मेरा दोस्त सैम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम ये आप कह रहे हो? आ? क्या तुम दोनों में सुलह हो चुकी है? हाँ बिल्कुल। तो एक शानदार मैच हो जाए वीर। बिल्कुल, बस देखते जाओ। Deathblow Akman। इसको कुछ नहीं होगा। फैंटम डिस्क आक्रमण। टाइगर। अब ये खत्म हुआ। डार्क ग्लो आक्रमण। और जीत हुई नील की। टोनी को आसानी से हरा कर उसने खिताबी मुकाबले की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। और अब दोस्तों, सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। देखते हैं वीर बनाम सैम में कौन जीतता है। इस लीग में वीर और सैम किसी मुकाबले में पहली बार आमने सामने है ना? हाँ, सच में वीर का पहले कभी सैम से मुकाबला नहीं हुआ, ऐसा मौका ही नहीं आया। लेकिन अब वीर भी ताकतवर है, इसलिए आज का मुकाबला गजब का रहेगा। खेलना, कोई पछतावा नहीं करना। बिल्कुल सही, मुकाबला मुकाबला है, कुछ देर के लिए अपनी दोस्ती भूल जाते हैं। सैम ही जीतेगा, वीर जीतेगा, वीर सैम, वीर सैम। बहुत खूब, दर्शकों में भारी उत्साह दिख रहा है। लोग आ गए, मुकाबला शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ब्लू पल्स गन आक्रमण। एवान, घूमो और आक्रमण करो। तुम्हारी सारी चालें अच्छे से पहचानता हूँ। माइक्रो मिसाइल आक्रमण। मैं पीछे नहीं हटूंगा। इलेक्ट्रिक पल्स बॉम्ब आक्रमण। हाँ, मुझे पता था तुम ये करोगे। एवान, स्पिन जंप आक्रमण। ब्लू बेल। अब मैं तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं दूंगा। फायर रेन आक्रमण। और पहली पारी खत्म हुई। ब्लू व्हेल, तुम्हें इस घंटी ने बचा लिया। ये यहाँ पे हो क्या रहा है? हर बार ब्लू व्हेल ही क्यों पिट रहा है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर तो नहीं हो सकता। मुझे जहां तक लगता है वीर हमेशा की तरह खेल रहा है। इसका मतलब
तुम अच्छा खेल रहे हो एवान। मैं सच में अच्छा खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे हमले काम क्यों नहीं कर रहे? लगता है सैम जानता है कि मैं कैसे हमला करूंगा, पर ये वो कैसे जान सकता है? हाँ, ओ हाँ, अब मैं समझ गया। ये वीर है तो वो पक्का जल्दी जल्दी में हमला करेगा। मुझे अपने फायदे के लिए काम में लेना होगा। वो कभी भी हमला कर सकता है। अब पक्का ही हमला करेगा। वो कोई चाल क्यों नहीं चल रहा? कुछ अलग हो रहा है, वो कर क्या रहा है? बहुत बढ़िया ब्लू विल, भागो। ब्लू पल्स गन। तो ये है, अब ये सच में हमला करेगा। ये क्या, ये हमला क्यों नहीं कर रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम मुझे जानते हो, तो मैंने चालें मिला ली। कैसी रही? अच्छा, तो इस बात पर पहली चाल मैं चलता हूँ। स्टील कैनन बॉल आक्रमण। मैं ये जानता था, इलेक्ट्रिक पल्स बॉम आक्रमण। ये हमले का एक नया तरीका है। वाह, उसे बहुत जोर से लगी है। ये पहली वाली पारी से कुछ अलग है। सैम वीर के हमले के तरीके को पहले ही सोचकर खेल रहा था। तभी वीर के हाथ अभी तक बंधे हुए थे, लेकिन अब वीर हर बार से कुछ हटकर खेल रहा है। ये मजेदार होने वाला है। सैम, इस बार तुम्हारा आकलन सही नहीं रहेगा। ये लो। ओ, ब्लू विल अपने हमले में फिर जीत गया है। चलो ठीक है, अब असली खेल शुरू करते हैं। माइक्रो मिसाइल आक्रमण। ब्लू लाइटनिंग स्पिन डिफेंस। ब्लू लाइटनिंग स्पिन डैश। वीर, तुम वास्तव में अच्छे हो, लेकिन ये पूरा खेल पलट देगा। मैं यही चाहता था, मुझे चुनौती स्वीकार है। पावर कॉइन ड्राइव। ये लो, ब्लू ड्रैगन आक्रमण। फायरबर्ड आक्रमण। हाँ? ओ, ब्लू विल और एवान दोनों ही मात खा गए हैं। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, तो ऐसे में जो भी पहले खड़ा होगा वो होगा विजेता। एवान, पूरा दम लगाओ, उठो जल्दी। ब्लू विल, उठो, मुझे पता है तुम कर सकते हो। एवान, ब्लू विल। उठ गया है। इस दोस्ताना मुकाबले को ब्लू विल ने जीत लिया है और वीर पहुंच गया है अगले मुकाबले में। जोरदार तालियां। हे वीर, बधाई हो। सैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आज का मैच हमेशा याद रहेगा। तुम बहुत अच्छा खेले मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम खिताब जीतो।
वीर और सैम, कमाल कर दिया तुमने। हे दोस्तों, तुम कमाल के थे। तुम दोनों ने बहुत अच्छा खेला। और सैम, मैं जानती हूँ कि तुम हार गए, पर तुम भी बहुत अच्छा खेले। सैम, हमें बताइए, वीर ने सही नहीं खेला, क्या मैं सही हूँ? तुम्हें कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल नहीं, हम सही खेले और मैं अपनी हार स्वीकारता हूँ, बस इतना ही। और हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ओ भाई साहब, तुम्हें अब खत्म करना चाहिए। दोस्ती के बीच में पढ़ना बंद करो, तुम क्या कर रहे हो? और तुम, अगर तुम एक रिपोर्टर हो तो हमेशा सच बताओ। तुम लोग क्यों इतना गर्म हो रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? हे दोस्तों, ठीक है फिर, ऐसा लगता है कि सब तैयार है। मेरी बड़ी योजना, सभी वॉचकार्स को ले आओ, दुनिया की सभी वॉचकारों को लाना।